नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के 15 सदस्यीय टीम की घोषणा हो चुकी है। तो कहीं खुशी है दोस्तों, तो कहीं गम की लहर है। कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जो पहली बार भारत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कई दोस्तों सीनियर खिलाड़ियों को यहां पे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनमें बहुत बड़ा नाम भारतीय टीम के गब्बर शिखर धवन का है दोस्तों। उनको ऐसा कहा जा रहा था कि 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया जा सकता है, और जिस तरीके के उनका ICC इवेंट में रिकॉर्ड है, और ऐसा कहा जा रहा था कि एक अनुभव से भरा हुआ खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन के रूप में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे आपको शामिल दिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 15 सदस्यीय टीम से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है दोस्तों। और ऐसा कहते हैं कि दुखों का जब पहाड़ टूटता है तो एक साथ कई दुख लेके आता है। और बता दूं आपको दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तो उनका तलाक भी हो गया है दोस्तों। आयशा जो धवन है, जो ऑस्ट्रेलिया की थी, उनकी बीवी थी, जिनसे उनका एक बेटा भी था जोरावर, आपको बता दूं दोस्तों कि उनका तलाक भी हो गया है और अब वो साथ नहीं हैं। आपको बता दूं कि आयशा धवन का ये दूसरा तलाक है। इससे पहले उनकी जो तलाक हुई थी उनसे दो बेटी थी, और एक जो जोरावर बेटा था दोस्तों वो शिखर धवन से था। तो यहाँ पे अब ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन किसके साथ रहेगा, लेकिन ये बता दूं कि आयशा धवन और शिखर धवन अब साथ नहीं है। कुछ अनबन की खबरें आई थी जिसके कारण उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यहाँ पे तलाक की घोषणा कर दी है, और T20 वर्ल्ड कप से भी शिखर धवन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी शिखर धवन के लिए वक्त काफी बुरा चल रहा है। बात करें उनके निजी जीवन की और खेल जीवन की, तो दोनों में उनके दुख की खबर आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिखर धवन अभी आने वाले टीम में वापसी नहीं कर सकते। IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 2020 में जो UAE में IPL खेला गया था उसमें लगातार दो मैचों में दो शतक जड़े थे। तो ऐसा कहा जा रहा था कि UAE की विकेट पे उनको खिलाया जा सकता है, और जिस तरीके का उनका ICC के इवेंट में रिकॉर्ड है, उन्हें मिस्टर ICC भी कहा जाता है, इसीलिए ये माना जा रहा था कि T20 वर्ल्ड कप में शिखर धवन को एक अनुभव से भरा हुआ खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, उन्हें दोस्तों बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो अब देखना होगा कि आगे वो किस तरीके से खेल का प्रदर्शन करके भारतीय टीम में वापसी कर पाते हैं। वनडे में तो लगभग वो कन्फर्म है दोस्तों, और लगातार भारत की तरफ से खेल रहे हैं, लेकिन T20 और यहाँ पे टेस्ट में वो अभी भी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके से वापसी करते हैं और गब्बर वापसी के लिए जाने जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में वो T20 में भी भारतीय टीम का हिस्सा बने और वो अच्छे प्रदर्शन के साथ लगातार टीम इंडिया में बने रहें।